नमस्कार संजय जी। नमस्कार जी। सिने सिंगर्स एसोसिएशन टीवी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। और ये न्यूज एक हमने बातें शुरू की, एक नया प्रोग्राम शुरू किया है यूट्यूब पर, जिसमें नए उभरते हुए सिंगर्स को जो हमारे दिग्गज हैं ऑलरेडी लाइन में, उनकी तरफ से कुछ नॉलेज मिले कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है या सिंगिंग के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो संजय जी, क्योंकि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से बहुत वक्त से जुड़े हुए हैं और आपको काफ़ी अरसा हो गया, करीब 25-30 साल हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और गाने का भी शौक है आपको, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो रहा है वो हम जानना चाहते हैं कि चाइल्डहुड आपका कैसा रहा, म्यूजिकल रहा या कैसा रहा? चाइल्डहुड तो म्यूजिकली था, मगर घर में जो एटमॉस्फेयर था वो था पढ़ाई का, तो पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाता था और सिंगिंग को और एक्टिंग को और डिबेट्स को, इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में देख लिया जाता था। मगर हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी था करना, तो पेरेंट्स ने इस पर बहुत स्पेसिफिकली मुझे हारमोनियम सिखवाया, मुझे थोड़ा सिंगिंग सिखवाया, तो ये सब था। ओके, तो म्यूजिक से आप जुड़े रहे। और जो इनिशियल आपका जो करियर रहा वो म्यूजिक लाइन से जो आप जुड़े हैं, तो वैसे मैंने तो आपका गाना सुना भी हुआ है, आपने हमारी फिल्म के लिए भी गाया हुआ है और स्टेज पे भी आप काफी गाते रहते हैं, लेकिन आपका म्यूजिक से एक अलग जुड़ाव ये रहा बहुत अरसे से कि जो सिंगर कम्युनिटी है या जो म्यूजिक कम्युनिटी है उनके लीगल राइट्स के लिए, कॉपी राइट्स के लिए आपने बहुत काम किया है, तो एक जरा एक ब्रीफ में बताएं कि आपने कब शुरू किया, कैसे ये लड़ाई? मेरा ताल्लुक जो म्यूजिक से, म्यूजिक इंडस्ट्री से ऐसा जो जुड़ा, वो था 1982 में। 1982 में मैंने शंकर जयकिशन साहब के लिए गाया, उनके अंडर देयर बेटन आई सैंग सॉन्ग्स इन देयर शोज, और वहाँ से फिर सिंगिंग करियर जो है शुरू हुआ। काफ़ी शोज बहुत करते थे हम लोग, US ट्रिप्स, UK ट्रिप्स और साउथ अफ्रीका ट्रिप्स, वहाँ से चलते गए। और फिर जैसे मैंने कहा कि चूंकि पढ़ाई का ज़्यादा जोर घर में था, तो ये था कि भाई पढ़ा लिखा जाए। उसके पढ़ने के बाद मैंने लॉ पढ़ा, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी, और उसके बाद मेरे को एक अंदर से लगा कि ये गाना तो मैं गा ही रहा हूँ, ये तो अपने ऊपर वाले की दी हुई देन है, तो क्यों ना इसको, जो मुझे नॉलेज मिला है इसको वापस मैं इसी फील्ड में लाऊं। और इस वजह से 1991 में, मतलब 10 साल के बाद, मैंने अपनी पढ़ाई इसमें लगाई। और जो अब मैंने देखा कि आर्टिस्ट जो अपने कंट्री के हैं, उस टाइम पर केवल राइट्स होते थे संगीतकार और गीतकार के, तो मैंने देखा कि गीतकार और संगीतकार को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। मैंने देखा जब मैं टूर्स पे जाता था तो मैंने देखा कि वहाँ के सिंगर्स जो हैं, वहाँ के जो कंपोजर्स हैं, वो 10 साल में 2 या 3 धुन बनाते हैं और ऐश की जिंदगी जीते हैं। और मैंने यहाँ देखा कि हमारे सीनियर्स, जैसे उस टाइम पर नदीम श्रवण जी थे, आनंद मिलन थे, ये लोग लगे हुए हैं अपने स्टूडियो में, सुबह से शाम तक लगे हैं वायलिनों के साथ, पेटी के साथ, और दे आर नॉट लिविंग द सेम स्टैंडर्ड दैट द अदर पीपल आर लिविंग। तो उसमें ये हो गया, मैंने कहा कि नहीं, इसको, अब चीज को जो है वो हमको स्ट्रीमलाइन करना है। और इस वजह से मैंने IPRS, जो एक डेड संस्था थी उस समय, उस जमाने में, मुझे ये मौका मिला कि मैं उसमें जुड़ूं और उसको आगे तक ले जाऊं। और वहां से फिर मेरा जो कॉपीराइट में सिलसिला शुरू हुआ कि ये कंपोजर और सॉन्ग राइटर्स को उनका हक दिलवाओ, उनकी रॉयल्टी उनको उन तक पहुंचाओ, वो वहां से शुरू हुआ। और अब हाल ही में जो मैंने अभी नया कदम उठाया है वो है कि सिंगर्स को, जिनको रॉयल्टीज नहीं मिला करती थी, यानी कि पहले सिंगर्स को वोकल इंस्ट्रूमेंट्स समझा जाता था, तो वो इम्प्रेशन हटाया, उसके अगेंस्ट में लड़ा, और गवर्नमेंट से फिर मैंने लड़ लड़के अब 2012 में जो संशोधन आया है कॉपीराइट एक्ट में, उसमें ये आया है कि भाई अब सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलेगी जहां भी उनका गाया हुआ गीत बजेगा कॉमर्शियल। संजय जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, 2012 वाली बहुत ऐतिहासिक मोड़ था एक सिंगर्स की लाइफ में, और मुझे याद है कि मेरे भी YouTube चैनल पे जावेद साहब की वो स्पीच ऐतिहासिक स्पीच है, और जिसमें आपका भी उसमें बहुत बड़ा एक शुमार रहा कि उस संशोधन को लाने में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट में। तो इसी के सिलसिले में जो सिने सिंगर्स एसोसिएशन है और आप जिस एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं, सिंगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
2013 में एक आपने CSA और साई को मिलाने का एक बहुत अच्छा काम किया था, तो उसके पीछे क्या मंशा रही, क्या आपने पर्सपेक्टिव देखा, क्या प्रोस्पेक्ट देखा आपने? देखिए 2012 में जो कॉपीराइट एक्ट अमेंड हुआ, संशोधन हुआ, उसका मैं पूरा का पूरा श्रेय जावेद साहब को देना चाहूंगा। सबसे पहले तो उनके बगैर तो ये चीज मुमकिन ही नहीं थी। मैं आपको ये बताऊं कि मुमकिन क्या मतलब, सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा कभी एक संशोधन आएगा। जावेद साहब ने उसके लिए बहुत जद्दोजहद की, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो हैट्स ऑफ और सलाम टू जावेद साहब, बिकॉज वो आम आदमी कोई भी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। इट इज सो डिफिकल्ट, एंड उसको बयान करने के लिए मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे कि क्या क्या उसमें गया है। मैं तो आपको यहां काटूंगा कि पूरे कम्युनिटी की तरफ से, ऑफिशियली सिंगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से और सिने सिंगर्स एसोसिएशन की तरफ से और म्यूजिक कंपोजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं पहली बात तो जावेद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो उन्होंने काम किया है इसके लिए ताउम्र और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक जो उन्होंने फायदा पहुंचाया है आर्टिस्ट को, वो इज़ंदा। बिल्कुल संजय जी, आप बहुत सही बोल रहे हैं। मैं बीच में आपको काटने वाला था कि मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस इंडस्ट्री से हूं जहां जावेद साहब जैसे लोग हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप तो खैर उनके साथ खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर उनको मसीहा बोला जा रहा है। बिल्कुल, कि जो फिल्म, जो हमारी फ्रेटर्निटी है, म्यूजिक फ्रेटर्निटी, उनका मसीहा उनको मैं कहूंगा कि वो कॉपीराइट मसीहा है। करेक्ट, इंडिया के लिए एकदम करेक्ट। तो जो उन्होंने जो राइट्स दिलाए हैं, तो जो संशोधन हुआ है 2012 में, उसमें बहुत चीजें अच्छी हुई हैं। एक तो कंपोजर और सॉन्ग राइटर को का जो हक तमाम म्यूजिक कंपनियां या ओनर प्रोड्यूसर्स मार रहे थे, उसको इस संशोधन में एक कड़े रूप में कैप्चर कर दिया है और ये कह दिया है कि अब ये हक जो है वो उनसे कोई ले ही नहीं सकता। आप उनका कॉपीराइट ले लीजिए मगर उनको रॉयल्टी मिलना जरूरी है। तो जो ये संशोधन हुआ है उसमें मैं तीनों के पक्ष से बोलना चाहूंगा, ऑथर, कंपोजर और सिंगर्स का। इनका जो फ्यूचर है वो ये है जो होना चाहिए, असल में जो होना चाहिए, यानी कि अगर एक कंपोजर ने एक बेहतरीन गीत की रचना की है और एक राइटर ने बहुत बेहतरीन गाना लिखा या एक सिंगर ने बहुत बेहतरीन गाना गाया है और वो हिट है तमाम, उससे लोगों की जिंदगियां बन गई हैं, म्यूजिक कंपनियां खड़ी हो गई हैं और ये है वो है, अब तक ये था कि वो बेचारा वही ऑटो में घूम रहा है, अब वो मुमकिन नहीं होगा। अब आदमी करेगा कला के लिए काम। एक गाना अगर किसी कंपोजर का हिट हो गया या राइटर का हिट हो गया, सिंगर का हिट हो गया, उसको तमाम जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे दिन को देखने के लिए हम वहां कोशिश में लगा हुआ, मैं वही कोशिश में लगा हूं कि वो एक दिन जरूर आएगा इंडिया में कि हर आर्टिस्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सिर्फ उसकी कला उसको अपना फ्यूचर दिलवाएगी। बहुत अच्छे संजय जी, बहुत अच्छे ख्याल हैं। और मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप सिने सिंगर्स एसोसिएशन के भी एक मेंबर है और माननीय मेंबर है, और हम आपकी बहुत कद्र भी करते हैं क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस इतना वास्ट रहा है, तो हम लकी हैं कि सिने सिंगर्स एसोसिएशन में आप मेंबर हैं। तो बीइंग अ मेंबर ऑफ सिने सिंगर्स एसोसिएशन, क्योंकि हमारा ताल्लुक करीब अब 1.5 साल से रहा है, तो कहीं कोई ऐसी चीज है जो आप कहीं कोई कमी देखते हो या कोई सजेशन आपकी ऐसी हो कि CSA कहाँ पीछे रह रहा है, कहाँ आगे आना चाहिए, कुछ तब्दीलियां? एक प्रश्न पहले भी पूछा था, शायद उसका मैंने जवाब नहीं दिया, वो ये था कि सिने सिंगर्स एसोसिएशन और सिंगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच में मैंने क्या क्लोजनेस या क्या कॉमनैलिटीज देखी जिसकी वजह से 2012 में जब लॉ चेंज हुआ उसके बाद हमने कोशिश ये की कि दोनों एसोसिएशन एक साथ काम करें। देखिए उसमें ऐसा है कि मेरा जो विजन था वो ये था कि सिंगर आफ्टर ऑल एक सिंगर है, दो एसोसिएशन है, एसोसिएशन कोई ओनर तो होते नहीं, एसोसिएशन मतलब मैं और आप मिल गए तो एसोसिएशन हो गया, उसमें तीन लोग और जुड़ गए और एसोसिएशन बढ़ गई, तो एसोसिएशन इज दैट एसोसिएशन, मेरी कोई जायदाद या आपकी जायदाद ऐसे नहीं है। तो एसोसिएशन का काम ये होना चाहिए कि जो उनके मेम्बरान हैं उनके ज्यादा से ज्यादा फायदा देखना। अब वो मेम्बरान एक आदमी है जिसका नाम है सिंगर, अब वो सिंगर है चाहे वो मेंबर CSA का हो या चाहे वो मेंबर साई का हो, है तो सिंगर। तो दोनों एसोसिएशन को ये होना चाहिए कि हम उस सिंगर, वो एक सिंगर के जो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज हो उसके लिए हम काम करें दोनों एसोसिएशन को। मैंने फिर स्टडी किया
कि सिने सिंगर्स एसोसिएशन जो है वो एक ट्रेड यूनियन है, और ट्रेड यूनियन के कई फायदे हैं और कई नुकसान हैं। कुछ काम वो कर सकती है, कुछ काम वो कानूनन तौर पे नहीं कर सकती है। आज की जिंदगी में जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है और जो जो मोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है वो बढ़ चुका है, तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक यूनियन नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए उसको, क्योंकि उसका काम नहीं है। उसका काम है लड़ना, झगड़ना, हक दिलवाना, एक वर्किंग कंडीशंस पैदा करना, ये सब उनका काम है। तो मैं इसीलिए मैं सोच रहा था कि सिने सिंगर्स एसोसिएशन अगर इस चीज को ध्यान रखे और इस चीज पर काम करे, तो बाकी जो फायदे या जो बाकी जो उनको एक सिंगर को मिलना चाहिए वो चीजें हैं, वेलफेयर, वो हम सिंगर्स एसोसिएशन के माध्यम से करें, जिसका जो परिणाम है, जिसका फायदा जो है वो तमाम सिंगर को मिलेगा, और तमाम सिंगर मेंबर सीएसए को हो या एसआई के हो, उन्हें सबको फायदा मिलेगा। तो इस हिसाब से मैंने ये कोशिश करी थी कि सीएसए और एसआई का जो है गठन जो है वो एक हाथ मिला के काम करें और आगे सिंगर्स के बॉडी को लेके जाए। ओके, मैं वापस सिंगिंग पे आ रहा हूँ जी। ये आपका सिंगिंग का जो करियर रहा है वो काफी लंबा है, तो कुछ एक ऐसे ही यादगार लम्हे आते हैं, कोई मेमोरीज होती हैं कहीं शो में या कहीं शूटिंग में, या कहीं आपने ऐसा कुछ फील किया हो, एक्सपीरियंस किया हो? बहुत है, बहुत है, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लेजेंड्स के साथ परफॉर्म करने का, उनके सामने समक्ष परफॉर्म करने का मौका मिला। नौशाद साहब हैं, खयाम साहब हैं, सपन जगमोहन साहब हैं, लक्ष्मी प्यारलाल जी हैं, शंकर जयकिशन हैं, इन सबका जो है, इन सबके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ नॉटी और कुछ म्यूजिकल। हालांकि मैं म्यूजिकल में, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आई एम क्लासिकली ट्रेंड सिंगर, बट एट द सेम टाइम ये सुपर वाले ने जो आवाज़ दी है उस आवाज़ से सब में खुशियाँ फैलाता हूँ। और मेन थिंग जो मेरा है कि जो मैं गाने गाता हूँ, मैं सिर्फ मुकेश जी के गाने गाता हूँ, और वो इसलिए गाता हूँ कि मुझे मुकेश जी को याद रखवाना है लोगों को, लोग मुकेश जी को भूले नहीं। और इस वजह से मैं केवल शोज में, चाहूँ तो दूसरे भी गा सकता हूँ, मगर मैं शोज में जानबूझ के सिर्फ मुकेश जी के गाने गाता हूँ। तो कोई एक यादगार, कोई ऐसा गाना जो आपको याद हो मुकेश जी का, जो आप हमेशा गुनगुनाते हो, तो हमारे दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं उभरते हुए कलाकार? आखिर में बता दो, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। बहुत अच्छे संजय जी, बहुत अच्छे, थैंक यू। और एक जैसे जो नए सिंगर्स हैं अभी, क्योंकि इस वक्त यूट्यूब के चैनल के जरिए तो आपको कई उभरते हुए कलाकार देख रहे होंगे, तो कोई एक म्यूजिकल कोट है या जिसने आपको कभी प्रभावित किया हो, कभी इंस्पायर किया हो, मुतासिर हुए हो आप जिससे? म्यूजिक इज लाइफ, दैट्स इट, म्यूजिक इज लाइफ, म्यूजिक इज गॉड। अगर ये आपका ध्येय है तो आई एम श्योर यू विल अचीव समथिंग इन लाइफ। बहुत अच्छे। एक और मैं इंटरव्यू खत्म करने से पहले आपको पूछना चाहता हूँ कि जो अभी कलाकार आपको उभरते हुए देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज कोई आप देना चाहते हैं कि जो सिंगिंग में या अपने करियर में, क्योंकि आपका जो करियर है वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली, मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूँ कि मैं ये एडवाइस दे पाऊँ किसी सिंगर को कि क्या करना चाहिए, बट हाँ, लीगली मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि हर सिंगर को जो है वो नंबर वन अपने आप के लिए भी सोचना चाहिए कई बार, और अगर ना सोचें तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कौम में रहें, अपनी कौम के साथ रहें। और वो कौम के साथ रहने का मतलब ये है कि वो जो एसोसिएशंस हैं, जैसे आपकी जो सिने सिंगर्स एसोसिएशन हमारी है, उसके मेंबर ज़रूर बने, सिंगर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर ज़रूर बने, क्योंकि अगर वो मेंबर बनते हैं तो उनको हिफाजत मिलती है, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, ताकि उनको कोई पागल नहीं बनाएगा कल, और उनको जो भी कल
समस्या होगी वो इस चीज को सॉल्व करेगी एसोसिएशंस मिलकर। तो मेरी सिर्फ एक ही राय है सारे नए कमर्स, न्यू कमर्स से, न्यू सिंगर से, कि वो जहां तक हो सके दायरे में इसके रहें, अपने कॉम में रहें, अपने कॉम को की रिस्पेक्ट करें, अपने कॉम के लोगों की रिस्पेक्ट करें, और जहां तक हो सके अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो उन्हें खूब खूब सक्सेस मिलेगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जानकर कि सिने सिंगर्स एसोसिएशन को संजीव जी आप जैसा एक जनरल सेक्रेटरी मिला, क्योंकि ये बहुत मैं तो पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी हो गई, मगर पहली बार देख रहा हूँ कि सिने सिंगर्स एसोसिएशन में इतनी एक्टिविटी हो रही है, और वो भी इस लेवल पर हो रही है कि हम YouTube पर जा रहे हैं और इस तरीके से हो रहा है काम। तो पहली बार मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू, और मैं तमाम सिंगर्स की तरफ से आपका पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने ये चीज बीड़ा उठाया है। बहुत कम लोग उठाते हैं इसको, बहुत ही मुझे पता है इसके पीछे क्या क्या होता है, क्या करना पड़ता है, इसमें कितना वक्त देना पड़ता है, कितनी जद्दोजहद होती है इसमें। तो आपका मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपको ब्लेसिंग्स देना चाहूंगा कि आप इसी तरीके से काम करते चले सिने सिंगर्स एसोसिएशन के लिए, और सिने सिंगर्स एसोसिएशन जो है वो खूब तरक्की करे, और जो सिंगर कॉम है उसको ऐसे लेवल पर ले जाए कि बस लोग देखते ही रहे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू।